लोगों की इतनी जुर्रत हमारे बीच में आ गए। जेल जाते वक्त ये हथकड़ियां तुम दोनों के हाथों में होंगी। आखिर तुम हो कौन? हम कौन होते हैं बे? कैसे बांग्लादेश पहुंचा जवान? कौन पड़ा है जवान के पीछे? क्या हुआ था राज के साथ? हेलो दोस्तों, मैं हूं स्प्रिया, मैं हूं आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त, और आज खबर लेकर आई हूं फिल्म जवान के बारे में। जवान एटली द्वारा निर्देशित एक फिल्म है जिसमें शाहरुख खान मुख्य भूमिका में होने वाले हैं। वही इस फिल्म की बात करें तो इसे बिग रिवेंज एक्शन एंटरटेनर कहा जा रहा है, जिसके पास दर्शकों को देने के लिए बहुत कुछ है। खैर, चलिए वापस लौटते हैं जवान की कहानी पे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे राहुल सायरा की तलाश में उसके साथी के करीब आता है, जिसके बांग्लादेश में होने का राहुल को सबूत मिलता है। सायरा और उसके साथी को पहले ही मार चुके रॉ के कुछ एजेंट्स अब उस फाइल की तलाश में हैं, जिसका फिलहाल कोई अता पता नहीं। वही इसी बीच दिल्ली शहर के पानी में कार्सिनोजन नामक एक केमिकल पानी को धीरे धीरे पल्यूट कर रहा है, जिससे शहर के ज्यादातर लोग हॉस्पिटल में लगातार भर्ती हो रहे हैं, जिसमें से एक राहुल का बेटा सनी भी है। भाई, इन सबसे दूर जब राहुल को इस बात का एहसास होता है कि जवान का असली लोकेशन बांग्लादेश है, तो वो सीधा वहां के लिए रवाना होता है। अब कहानी यहां से आगे बढ़ती है। राहुल दिल्ली से बंगाल के रास्ते बांग्लादेश पहुंचता है। हालांकि तभी उसे अपने सीनियर मिस्टर बोस से ऑर्डर मिलता है कि वो इस केस को छोड़ दे, क्योंकि उन्हें अब पता है कि आगे क्या करना है। बोस वही आदमी है जिसने सबसे पहले राहुल को सायरा और फाइल का पता लगाने के लिए इस केस पे भेजा था। वही अब बोस ही राहुल को मना कर रहा है, इस वजह से राहुल काफी ज्यादा परेशानी में आ जाता है। हालांकि राहुल क्योंकि बांग्लादेश में एंटर कर चुका था, इसी वजह से उसने वापस जाना जरूरी नहीं समझा। राहुल बांग्लादेश पहुंचकर जवान के उस जेल का पता लगाता है जहां पे वो फिलहाल रह रहा है। राहुल दोईबा नामक जेल में अगले दिन पहुंचता है, जहां पे उसे पता चलता है कि जवान वहां से पहले ही जा चुका है। असल में पिछली रात जेल में कुछ आदमियों ने अचानक अटैक कर दिया था और जवान को बंदी बनाकर ले गए थे। वही राहुल इस बात को सुन काफी हैरान हो जाता है कि तभी राहुल की नजर उस जेल पे पड़ती है जहां पे जवान रह रहा था। राहुल आगे बढ़कर देखता है कि उस जेल की दीवार थोड़ी टूटी हुई है। राहुल को थोड़ा शक होता है और वो जेल के अंदर जाकर देखता है तो राहुल को टूटी हुई दीवार के पीछे एक खुफिया जगह होने का पता चलता है, जहां पे पहले से ही कुछ रखा हुआ था। राहुल के पास जाकर देखने से ही उसे पता चलता है कि वहां पे एक फाइल रखी हुई थी जिसपे रॉ 1980 पैच लिखा था। राहुल उस फाइल को देखकर तंग रह जाता है। वही प्रशांत होकर राहुल धीरे धीरे अंदर के पेज को पलटते जाता है, जिसमें उसे दशक में जितने भी लोग रॉ में थे सभी की आइडेंटिटी दी गई थी, जिसमें कौन सा एजेंट किस नाम से देश में मौजूद है वो सब भी दिया गया था। इसी बीच राहुल पेज को पलटते हुए एक नाम को पढ़ता है जिसे देख उसके होश उड़ जाते हैं। असल में उस फाइल में 1982 बैच एजेंट राजवर्धन राठौर एज जवान लिखा हुआ था। राहुल को विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर उसने अभी क्या पढ़ लिया। इमोशनल हो चुका राहुल बिना किसी को बताए उस फाइल को अपने कब्जे में ले लेता है और जेलर से पूछ के उन आदमियों का पता लगाने के लिए निकलता है जिन्होंने पिछली रात जवान को किडनैप कर लिया था। राहुल समझ चुका था कि ये वही लोग हैं जिन्होंने सायरा और उसके साथी को मारा था। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है कौन होगा इन सब के पीछे और क्यों बोस राहुल को इस केस की तह तक जाने से रोक रहा है? साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।